जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 सितंबर से प्रदेश में सभी मंदिरों को जो है वो खोला जाएगा। इसके लिए भाषा कला एवं साहित्य विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार मंदिरों, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों को खोलने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। उपमंडल अधिकारी शिवमोहन सिंह सैनी ने कहा कि भाषा कला साहित्य विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के मंदिर ही खुलेंगे। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष उससे ऊपर आयु के व्यक्ति, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मंदिर नहीं जाएं, वह घर पर ही रहें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों व मंदिर में 6 फुट की सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। उपमंडल अधिकारी शिवमोहन सैनी ने कहा, अगर कोई मंदिर कंटेनमेंट जोन के अंदर है तो वो नहीं खुलेगा। 65 वर्ष व उससे ऊपर की आयु के लोग, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मंदिर नहीं आएंगे और घर पर ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों व मंदिरों में 6 फीट की सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। खुले में थूकने की सख्त मनाही है। खांसते व छींकते समय आपको अपनी बाजू, रुमाल, टिश्यू पेपर आदि का प्रयोग करना होगा। अपने मोबाइल में सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना। मंदिर की रखरखाव करने वालों को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। उन्हें प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर, हैंड वॉश व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति ही जो है वो मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्हें खांसी, बुखार, जुकाम जैसे कोई लक्षण है, वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। COVID-19 से संबंधित बचाव से संबंधित पोस्टर लगाने होंगे व ऑडियो व वीडियो क्लिप्स भी जो है वो मंदिर में उनको चलाना होगा। श्रद्धालुओं को अलग अलग समय अंतराल पर स्टैगर्ड मैनर में दर्शन करवाने होंगे। श्रद्धालु अपने जूते व चप्पल मंदिर के बाहर नहीं खोलेंगे, वे इन्हें अपने वाहनों में ही खोलेंगे। मंदिर प्रांगण के आसपास स्थित दुकानों को भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। श्रद्धालुओं को लाइन में सामाजिक दूरी की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए गोले इत्यादि जो है वो वहाँ लगाए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। क्रॉस वेंटिलेशन व फ्रेश एयर फ्लो मेंटेन करना होगा। अधिक भीड़ वाले समारोहों पर मंदिर में पूर्णतः प्रतिबंध होगा। भजन कीर्तन करने पर मनाही होगी। प्रसाद बांटने व चढ़ाने, चरणामृत देने व छिड़कने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। लंगर भोज आदि सामाजिक दूरी के नियम, लंगर या भोज आदि लगाने हैं तो उसमें भी सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करना होगा। हाथ पैर धोने के लिए मंदिर परिसर में समुचित व्यवस्था करनी होगी। मंदिर के फर्श को की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था मंदिर प्रबंधन को करनी होगी। मंदिर के फर्श की भी बार बार सफाई करना जो है वो सुनिश्चित करना होगा। मंदिर में जो मूर्तियां हैं और जो धार्मिक किताबें हैं उनको छूना भी, जो उनको छूने पर भी जो है पूर्णतः मनाही होगी। ठीक है, मेरा उपमंडल में स्थित सभी मंदिर संचालकों से विनम्र निवेदन है कि वे सभी इन दिशा निर्देशों का पालन करें और अगर अवहेलन करेंगे वो इनका तो उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई के अंतर्गत कार्रवाई जो है एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के अनुसार अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पधर से ललित ठाकुर।